तो हेलो मेरी पब्लिक, क्या हाल आप सब लोगों के। सबसे पहले तो यार आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई थिंक कि आपका 2023 अच्छा गया होगा। मेरा तो बहुत अच्छा गया, क्योंकि 20K सब्सक्राइबर जो कंप्लीट हो गए, और 2024 में हमें इससे भी ज्यादा ग्रो करना है, जिसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। वैसे सपोर्ट तो आप बहुत ज्यादा करते हो, क्योंकि जब भी मैं किसी शॉर्ट वीडियो में पूछता हूँ कि मुझे कौन से गेम की वीडियो बनानी चाहिए, तो आप हमेशा फ्री फायर। समझ ही नहीं आता कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो या फिर फ्री फायर को। एनीवेज, आप लोगों के इसी सपोर्ट को देखते हुए मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोग कौन सी गन की चैलेंज वीडियो देखना चाहते हो, और आप लोगों में से 69% बंदों ने MP40 को चुना। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों की भी फेवरेट गन वही है जो कि मेरी है, तो इसलिए आज हम करने वाले हैं 1v1 विद रैंडम प्लेयर MP40 चैलेंज। ओके, तो मैंने कस्टम तो क्रिएट कर लिया, मुझे उस बंदे का इंतजार है जिसका लेवल मेरे से ऊपर हो या फिर मेरे इक्वल हो, क्योंकि जब मैच बराबरी का होगा तभी तो आप लोगों को भी मजा आएगा। तो इसका लेवल 46 था, इसलिए मैंने इसको किक कर दिया। अब वेट करते हैं, सेकंड प्लेयर का एक बंदा आया, तो इसका लेवल चेक करते हैं। वैसे मेरा लेवल तो 63 है और इस बंदे का लेवल 66 है, तो बिन टाइम को वेस्ट किए जल्दी से कस्टम को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि मैंने इस कस्टम में एडवांस सेटिंग ऑन की हुई है, जिससे कि हमें फर्स्ट राउंड से ही मैक्स कॉइन मिलेगे। और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इससे मैं फर्स्ट राउंड में ही MP40 को बाय कर सकता हूँ। MP40 चैलेंज ही तो है अभी। लेकिन ये क्या हो रहा है, अभी तक गन सेलेक्ट करने का ऑप्शन क्यों नहीं आया। चलो आ गया, जल्दी से MP40 को ले लेते हैं और 3 मशरूम ले लेते हैं, क्योंकि मशरूम हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि हमने केक रिएक्टर लिया हुआ है एंड हमने वेस्ट हेलमेट और एक ब्लू वॉल भी ले ली। और अब हम वेट करते हैं इस रेड जोन के खुलने का। A few minutes later. Okay, तो रेड जोन तो खुल चुका है, अब जल्दी से अपन एंड की साइड चलते हैं और देखते हैं कि बंदा ऑफलाइन तो नहीं चला गया। मतलब कि यार रैंडम प्लेयर चले जाते हैं ऑफलाइन, क्योंकि वो सोचते हैं कि फ्री का ही तो कस्टम है। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो ऑफलाइन गया होगा, क्योंकि यार उसकी 66 वाला और खतरनाक भी है वो बंदा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जब फाइट होगी तब पता लगेगा। लेकिन जो भी हो, चाहे मैं हारूं या जीतूं, मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूं। एंड ये देखो सामने बंदा भी है, ये गया एक हेड, बट यार उसने ग्लू वॉल लगा ली। कोई बात नहीं, मैं उसी की साइड जाकर उसको मारने वाला हूं अभी। लेकिन इसने तो अपने आप को पैक कर लिया, पर ये तो पैक भी अपने आप को ढंग से नहीं कर पाया। एंड इसी के साथ हमने फर्स्ट राउंड जीत लिया है। अगर ये पूरे ही राउंड में ऐसी हरकतें करता रहा तो मुझे लगता है मैं इसको 6-0 से हरा दूंगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है, क्या पता अगले राउंड में वही मुझको हरा दे। तो इस राउंड में मैं लेने वाला हूं ओनली 3 मशरूम, क्योंकि वेस्ट हेलमेट एंड MP40 तो मेरे पास पहले से ही है। तो अब मैं फिर से जाने वाला हूँ अपोनेंट की साइड, क्योंकि मुझे सामने सामने फाइट करने में बहुत मजा आता है। मैं सच बता रहा हूँ यार, मुझे वो बंदे बिल्कुल पसंद नहीं जो कि छिपकर खेलते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि सामने वाला बंदा छिपकर खेलेगा, क्योंकि वो मेरी साइड ही आ रहा है। अबे किधर मुड़ गया। ओके, तो हमारा अपोनेंट हमारे सामने, ये देखो मुझे एक डायवर्टिकल का शॉट भी मार दिया। वो तो अच्छा हुआ कि हमें हेड नहीं लगा। लेकिन मैं इस डैमेज का बदला लेने वाला हूँ, बस एक बार मेरा एम उसके हेड तक चला जाए फिर तो समझो वो बंदा गया। ग्लू वॉल लगाते हुए उसके साइड ही चलता है, और ये देखो ड्रॉप लूटना चाह रहा है। डैमेज तो उसको गया लेकिन हेड नहीं लग पाया। चलो कोई बात नहीं, इसको एक बार ड्रॉप लूटने देते हैं, फिर तो सामने आएगा ही। मगर क्यों, क्योंकि इसको मुझसे पिटना है। लेकिन ये क्या हुआ, मैं ही पिट गया इससे। तो अभी मुझे सोनिया ने बचाया हुआ है और इसने ग्लू वॉल लगा ली थी। चलो कोई बात नहीं, ये राउंड तो हम हार गए, लेकिन अगले राउंड से हमें ध्यान से खेलना पड़ेगा। अबे लोल दिखा रहा है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। गाइस, पिछला राउंड तो हमारे अपोनेंट ने हमको हरा दिया था, लेकिन उसको नहीं पता कि उसने लोल इमोट मारकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। एनीवेज, अभी मैं चलता हूँ ड्रॉप की साइड, क्योंकि इसमें से मुझे सुपर मेडिकेट तो मिल सकती है, लेकिन इधर बंदा है, पहले बंदे की साइड ही चलते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ही मार देंगे तो फिर हमें सुपर मेडिकेट की क्या जरूरत है। और ये देखो उसको एक हेड भी गया, लेकिन उसने ग्लू वॉल लगा ली। एंड इसको इतना डैमेज है फिर भी हमारे साथ फाइट करना चाहता है, और इसी के साथ हमने इसको हेड से मार दिया। एंड अब मैं दिखाता हूँ इसको लोल इमोट, तभी तो हमारा बदला पूरा होगा। ओके, तो हमारा फोर्थ राउंड तो स्टार्ट हो गया। एंड बहुत देर से इस बंदे ने मुझे पागल बना रखा है, मतलब कि यार पीछे से अटैक करना चाह रहा है, लेकिन अभी अपने जाल में खुद ही फंस गया, क्योंकि इसने ग्लू वॉल लगा लिया। भाई ये क्या हो रहा है, बॉडी शॉट जा रहा है यार इसको। इसने हमको बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानूंगा। और ये बंदा फिर से हेड से गया। भाई साहब, कितना बचाऊं मैं इस बार। मेन तो हमें केक रिएक्टर ने बचाया, वरना ये राउंड तो हमारे हाथ से गया था। तो अभी हमने 3 राउंड में विक्ट्री कर ली, एंड 3 राउंड में और करनी है। चलो इस राउंड में हम ले लेते हैं 2-4 रिपेयर किट एंड 3 मशरूम। गाइस, इस राउंड में हमारा एक फायदा हो गया कि ड्रॉप हमारे सामने ही पड़ी है, तो जल्दी से चल के ड्रॉप कोई लूटते हैं पहले, और ग्लू वॉल लगाते हुए चलते हैं, वरना पता चला है कि ड्रॉप को लूटने के चक्कर में खुद ही लूट गए। एंड ये देखो भाई, हमारा अपोनेंट हमसे फाइट करना चाह रहा है, मतलब कि 3 राउंड हार के भी इसको शर्म नहीं आ रही। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या पता ये राउंड मैं ही हार जाऊं। अबे मैं मेडिकिट क्यों यूज कर रहा हूं जब मेरे पास केक रिएक्टर है। तो हमारा ध्यान सिर्फ अपोनेंट पर होना चाहिए। अब तो इसको एक हेड लग गया, तो अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, और ये वाला राउंड भी हमने जीत लिया। एंड मैं फिर से इस बंदे को लोल दिखा रहा हूं, बेचारा ये भी सोच रहा होगा कि लोल क्यों दिखाया था इसने। एनीवेज, ये हमारा राउंड 6। जल्दी से इन्वेस्ट और हेलमेट को रिपेयर कर लेते हैं, और 2-3 मशरूम बाय कर लेते हैं, और वेट करते हैं इस रेड जोन के खुलने का। ओके, रेड जोन तो ओपन हो गया, फिर से चलते हैं अपोनेंट की साइड। एक तो यार ये जगह इतनी बेकार आई है, वरना पहले वाला पिक कितना मस्त था, एकदम खुली खुली जगह थी। वैसे इस बार हमारा अपोनेंट किधर चला गया नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे भी। कहीं ऑफलाइन तो नहीं चला गया, क्योंकि अगर वो ऑफलाइन चला गया तो मेरी सारी मेहनत भी रान हो जाएगी। नहीं भाई, वो यहाँ पर तो नहीं है, इसका मतलब वो ऑनलाइन है। चलो इसी बहाने ड्रॉप भी लूट लेते हैं जब आया है तो। एंड ड्रॉप मैं इसलिए लूट रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे सुपर मेडिकिट मिल जाएगी, और इसमें तो मेरी एक और फेवरेट गन पड़ी है, गरोजा एक्स। चलो भाई, अब अपोनेंट को भी
ढूंढ लेते हैं। गाइस मैं पूरे एक मिनट से अपोनेंट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हमारा ड्रोन कब काम आएगा। चलो अब हम इसको यूज करके देखते हैं, क्या पता बंदा मिली जाए। अबे बंदा हमारे सामने था। ग्लू होल कहाँ गई, जल्दी से निकल जा वरना मैं तो गया था अभी। भाई वो तो अच्छा हुआ कि सामने वाला बंदा थोड़ा सा नूब है और हेड नहीं मार पाया मुझको। अबे ये तो मेरे पीछे चला गया, लेकिन भाई क्या मस्त हेड लगे लास्ट में इसको। और अभी हमें सिर्फ एक राउंड और विक्ट्री करना है एंड हमारा बुइया हो जाएगा। वैसे गाइस अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो एंड आपको मजा आ रहा है तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए। एंड यही मेन रीजन है कि मेरे लॉन्ग वीडियो 3-4 महीने में एक आते हैं। चीटिंग करता है तू। तो गाइस ये हमारा राउंड 7 और मुझे लगता है कि बंदा अब की बार सामने ही आने वाला है, तो सीधा सीधा चलते हैं। वैसे पिछले राउंड में तो वो ऐसी जगह जाकर छुप गया था कि ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे ये राउंड बहुत संभल कर खेलना पड़ेगा, क्या पता बंदा कमबैक कर जाए। मुझे लगता है कि वो इधर से आ रहा होगा, तो इधर को चलते हैं। और ये देखो भाई हमारा अपोनेंट बिल्कुल सामने है, जल्दी से अटैक करते हैं। अबे यार ये तो मेरे पीछे चला गया भाई, इस बार तो मैं गया। ये तो एकदम सेकंड राउंड वाली कंडीशन हो गई। मुझे इस पूरे मैच में 2 बार सोनिया कैरेक्टर ने बचाया, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया। एनीवेज अब की बार मुझे थोड़ा सा कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता बंदा सच में ही कम बैक कर जाए। तो गाइस ये हमारा राउंड 8 एंड मैं कोशिश करूंगा कि यही हमारा आखिरी राउंड हो। तो अब मैं जल्दी से गन्स वगैरह बाय कर लेता हूँ एंड फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस मुझे लगता है कि बंदा ऊपर की साइड है, क्योंकि मैप में भी ऊपर ही शो कर रहा है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से ऊपर जाना पड़ेगा। और ये देखो मैंने बोला था ना सामने ही बंदा है, बस एक बार ये बाहर निकल जाए और समझो ये तो गया। अरे भाई अभी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैं ही चला जाता। हमारा अपोनेंट इस ग्लू होल के पीछे है, तो हम अपोनेंट की साइड ही चलते हैं ना। अबे ये गोली किस साइड चला रहा है, तो मैंने इस राउंड में भी इसको मार दिया एंड इस साथ हमारा बुइया हो गया। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वाली लॉन्ग वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करो और ऐसे चैलेंज जिसको कि हम आने वाली लॉन्ग वीडियोस में कंप्लीट कर सके। एंड गाइस इस ईयर हमें बहुत ज्यादा ग्रो करना है, जिसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। एनीवे गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।